शुरू हो जाएंगे। मैं तमाम अररिया अनुमंडल के वासियों से कोरोना कोविड 19 के नियमों का अनुपालन करने का अनुरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये जो पेंडेमिक है, जो आपदा है, इससे आप अपनी सुरक्षा खुद करके बच सकते हैं। जो मैं भ्रमणशील रहा हूं ग्रामीणों क्षेत्रों में, खासकर मैं देख रहा हूं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मृत्यु भी हो रही है, तो वो सूचना नहीं दे रहे हैं सरकार को, उसको डाटा उपलब्ध नहीं होगा सरकार के पास। अघोषित तरीके से वो लाश का दाह संस्कार कर देते हैं, छुपा देते हैं कि मृत्यु कोरोना से हो जाने पर लोग उसके यहाँ छुआछूत करने लगेंगे या उनके यहाँ आना जाना बंद करेंगे। लेकिन ऐसी मृत्युएँ हो रही है, हम लोग इसके बारे में भी छानबीन और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसका जो है हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं कि उसका क्या सिम्टम था, मरने के पहले क्या था, तो उसका रिकॉर्ड में हम लोग ला रहे हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, ये फॉलो नहीं हो रहा है, भीड़ भाड़ में नहीं जाने का, ये बाजार भी लग रहा है, पुलिस की गाड़ी और सायरन से आप बंद कर लेते हैं और फिर जैसे पुलिस की गाड़ी और सायरन गुजरती है आप खोल लेते हैं, ऐसा मत करिए, यह आने वाले दिनों में और फैलेगा और विकराल रूप लगेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग इससे बाज नहीं आएंगे तो हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, मृत्यु दोनों ओर से हो जाएगी। जेल भी जाइएगा तो वहाँ संक्रमित हो सकते हैं, आप कोरोना से मर सकते हैं, बाहर भी आप अगर संक्रमित कीजिएगा तो मृत्यु होगा, लेकिन उस मृत्यु में पुलिस वाले को भी आप समेटेंगे। जब हम जेल भेजेंगे तो हमें भी संक्रमण होने का खतरा रहेगा, तो कृपा करके अधिक संक्रमित कराने के लिए आप जेल जाने की तैयारी मत कीजिए अपना। और मैं आपसे अपील और सख्त अपील करता हूँ कि आप लोग जो है लॉकडाउन, जो 10 बजे के बाद दुकानें बंद होती, कृपा करके रोड पर ना निकलें, बाध्य होकर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा, बाध्य होकर हमको कार्रवाई करके जेल भेजना पड़ेगा। और जेल जाने का जो क्रम होता है उसमें हम लोग भी संक्रमित होते हैं, आप भी संक्रमित होंगे। इसलिए मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं और साथ में मैं सख्ती करता हूं कि हमको बाध्य ना करें, यही अपील करता हूं कि कोरोना को हराना है तो घर पर रहना होगा, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क इसका प्रयोग करना है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, टेलीफोन पर बोल बोल के लोग थक गया है, लेकिन आप इसको मजाक में ले रहे हैं, हंसी मजाक के तौर पर आप बाहर निकलते हैं, इससे ऐसा कृपया ना करें। मेरी यही गुजारिश है, मेरी यही अपील है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, अपने जिला की रक्षा, अपने देश की रक्षा करने के लिए आज आपके हाथ में ही सारी चीज़ हैं, आप अपने हाथ से बेहाथ होने मत दीजिए समाज को, जमाना को, और आप अगर हाथ से बेहाथ होने दीजिएगा तो जब संक्रमित होगा काफ़ी तौर पर तो कोई घर पर आपके नहीं आएगा, नहीं मैं प्रशासन भी नहीं आ सकूंगा, इतने संख्या में लोग मरेंगे तो हम लोग कहाँ से, हमारे पास सीमित संसाधन है। आज बोल रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा, कितना मुश्किल होता है इसको फिर मैनेज कर लेना, तो अगर संख्या और अधिक बढ़ने लगी बीमार की तो हमारे पास सीमित संसाधन है, तो क्यों नहीं होगा हो कि हम अपने सीमित संसाधन को ध्यान में रखते हुए हम अभी से सतर्क हो जाएं। इसलिए मेरी यह अपील है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।